बिसरे तराने एफएम के बहाने का। तो आइए जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं सुस्मिता आपको ले चल रहा हूं कुछ ऐसे नगमों की ओर, कुछ ऐसे गीतों की ओर जो बीते दौर से जुड़े हुए सदाबहार नगमे हैं और जिनको सुनकर आप भी गुनगुना उठेंगे। जैसे गुनगुना रहा है ये गीत, आप भी इंजॉय करिए। ऐसा जादू तबीयत तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से के हालत हालत बदल बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। उसने जो देखा तो हसरत निकल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई। कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से के हालत बदल बदल गई। मिलती है आहट सी प्यारे उसके पांव की, दिल में चमकती है बिजलियां अदाओं की। पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई। अरे दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई। उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से के हालत बदल बदल गई। अरे दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई। जी, हालत बदल बदल गई। और इस गीत के साथ ही साथ हम जुड़ चुके हैं कार्यक्रम बिसरे तराने एफएम के बहाने में। और इस कार्यक्रम में आज हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आपको बताते हैं कि आज पुण्यतिथि है सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज जी की। तो शुरुआत करते हैं उनसे जुड़े एक किस्से के साथ जिसे मैं आपसे साझा कर रहा हूं। दोस्तों, एसडी बर्मन और नीरज जी की जुगलबंदी ने कई यादगार गीत दिए हैं, लेकिन
बर्मनदास शुरू में नहीं चाहते थे कि नीरज गाना लिखें। जी हां, दरअसल देवानंद प्रेम पुजारी नाम की फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने नीरज जी को मुंबई बुलाया, उन्हें 1,000 रुपए दिए और संगीतकार SD बर्मन के पास ले गए। सचिन दा ने नीरज से कहा कि वे एक गाना चाहते हैं जो रंगीला शब्द से शुरू हो, और इस तरह नीरज जी की कलम से निकला रंगीला रे तेरे रंग में रंगा है मेरा रंग, जी हां, इस जैसा यादगार गीत। मगर जानते हैं, नीरज जी ने एक साक्षात्कार में यह खुलासा किया था कि SD बर्मन ने उन्हें खुद बताया था कि मैंने तुम्हें फेल करने के लिए एक कठिन धुन दी थी, लेकिन तुमने मुझे ये बेहतरीन गीत देकर फेल कर दिया। तो आइए, ऐसे जबरदस्त ट्रैक की जिसकी हम बात कर रहे थे, उस ट्रैक से हम और आप जुड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे के सफर पर। आप भी सुनिए रंगीला रे। मेरा मन
किनारे। एस डी बर्मन और नीरज जी की जोड़ी ने कई बेहतरीन गीतों का नजराना हम लोगों को दिया है। जी हाँ, इनमें शर्मीली, गैम्बलर और तेरे मेरे सपने के गीत शामिल हैं। नीरज जी का कहना था कि एस डी बर्मन ने नीरज से क्षमा, परवाना, शराब, तमन्ना, जाने मन, जान और इश्क जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद करने को कहा। इस पर नीरज जी ने अपने गीतों में इन शब्दों को छोड़कर बगिया, मधुर, गीतांजलि, माला, धागा जैसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया और इन्हीं शब्दों के प्रयोग से एक का खूबसूरत गीत हम सबके बीच में आए। तो आइए आप भी सुनिए, एंजॉय करिए एक का खूबसूरत सा गीत जो निकला है नीरज जी की ही कलम से। बढ़ते हैं इस गीत की तरफ, आप भी सुनिए। हे मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। सांस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, प्राण अपने एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली।
ऐसे जबरदस्त गीतों का गुलदस्ता आप तक पहुंचता रहेगा। आप गुनगुनाते रहिए ऐसे ही गीतों को। मैं सुस्मित हूं आपके साथ आज कार्यक्रम बिसरे तराने एफएम के बहाने लेकर। एंजॉय करिए एक और खूबसूरत सा गीत। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है बोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना, अपनी वो कहानी जो अजानी होके बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना, अपनी वो कहानी जो अजानी होके बन गई फसाना। जीवन क्या है तमाशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा प्यासा। ये खूबसूरत गीत आपने अभी सुना और इसके साथ ही साथ हम बढ़ते हैं आगे की बात की तरफ और आपको बताते हैं कि एसटी बर्मन और नीरज जी की जोड़ी ने कई बेहतरीन गीतों का उपहार हिंदी फिल्मों को दिया है, ये तो हम सभी जानते हैं। जी हाँ, बात नीरज जी की चल रही है तो उनसे जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है जो याद आया। दरअसल नीरज जी का लिखा एक गीत है, ए भाई जरा देख के चलो। इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है और वो बात यह है, दरअसल नीरज जी एक बार रास्ते से गुजर रहे थे और उसी दौरान रास्ते में रेड लाइट हो गई, लाल बत्ती हो गई और ऐसे में उन्हें रुकना पड़ा। इतने में हुआ यूं कि दो गाड़ियों की आपस में हल्की सी टक्कर हो गई तो एक कार में सवार आदमी ने चिल्ला कर कहा,
ए भाई जरा देख के चलो। और बस यही लाइन उन्होंने पकड़ ली और रच डाला पूरे जीवन का दर्शन। तो चलिए हम भी जुड़ते हैं इस जीवन दर्शन वाले गीत से और इंजॉय करते हैं एफएम रेनबो पर। आप भी सुनिए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुचा नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खड़े को भी, छोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज का नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाए, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है। माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई सर्कस। हाँ बाबू ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा
बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। रहता है जो कुछ वो, खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। आप समझ क्यों नहीं रहे, वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। सात बजकर 34 मिनट कार्यक्रम चल रहा है बिसरे तराने एफएम के बहाने, और इसमें आइए जुड़ते हैं एक और ट्रैक से। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुराकर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत नादान करता हूँ ये नादानी,
बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी, हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी। बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। नीरज जी के गीतों को संगीत से सजाने वाले एसटी बर्मन साहब लाजवाब संगीतकार थे। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी मुंबई का बाबू, जिसके लिए एसटी बर्मन ने धुन तैयार कर ली थी और वो इस गीत को किशोर कुमार से गवाना चाहते थे, लेकिन किशोर कुमार उन्हें समय ही नहीं दे रहे थे। वैसे वो एसडी बर्मन साहब का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन थे तो मनमौजी किस्म के और ऐसे में उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए एसडी बर्मन जब उन्हें बुलाते तो वो कोई ना कोई बहाना कर देते। एसडी बर्मन ने कई दिन उनकी राह देखी और तब किसी ने एसडी बर्मन को सलाह दी कि आप किशोर के चक्कर में तो ना ही पड़े तो बेहतर है, इसे किसी और से गवा लें। तब एसडी बर्मन साहब ने मुकेश से इस गीत को गवाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा गीत है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, जिसके लिए इतनी मशक्कत हुई। तो साहब आइए आप भी सुनिए ये गीत जिसके लिए हुई थी इतनी मशक्कत। चल री सजनी अब क्या सोचे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब क्या सोचे, बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेश टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेश टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल री सजनी अब क्या सोचे,
कजरा ना बह जाए रोते रोते चल री सजनी अब क्या सोते। ममता का चल गुड़ियों का कंगना छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना ममता का चल गुड़ियों का कंगना छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना छूट गया छूट गया रे चल री सजनी अब क्या सोते कजरा ना बह जाए रोते रोते चल री सजनी अब क्या सोते। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है दुल्हन बन के गोरी खड़ी है कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे। सालों का विश्वास मजबूती का है सास हर सपने बनाए खास आरजल सरिया। आरजल गोल्ड सरिया अब तौल से छुटकारा पाइए सरिया गिनकर घर ले जाइए 68 सालों से यूपी का सबसे भरोसेमंद सरिया। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं जी हाँ एक और गीत के बारे में और बात एस डी बर्मन साहब से ही जुड़ी हुई। एस डी बर्मन एक गीत का संगीत तैयार कर रहे थे और उन्होंने इस खूबसूरत गीत के लिए मन्ना डे साहब को रिहर्सल के लिए बुलाया। एस डी बर्मन साहब की एक आदत थी कि वो गायक को पहले गीत को गाकर सुनाया करते थे आइडिया देने के लिए और उन्होंने इसीलिए अपनी तर्ज पर इसे गाया तो मन्ना डे साहब ने उनसे दोबारा उस गीत को गाने के लिए कहा। बर्मन दा ने जैसे ही दोबारा गीत को पूरा किया तो मन्ना डे ने कहा कि आप इस गीत को इतना अच्छा गा रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब इसे मुझे गाना चाहिए। एस डी बर्मन साहब ने मन्ना डे को बहुत समझाया लेकिन मन्ना डे नहीं माने और आखिर बर्मन साहब को एस डी बर्मन साहब को ही इस गीत को गाना पड़ा। तो कौन सा था यह गीत जानना चाहते हैं आइए सुनते हैं। अब तू ही मेरे दिल में आ
अपनों की छाया छाया वो जो बन पल क्या है समय के ये झूले हैं तेरे साथ कभी याद आए कभी भूले हैं आते जाते पल क्या है समय के ये झूले हैं तेरे साथ कभी याद आए और इस गीत को आपने सुना एस डी बर्मन साहब के खूबसूरत आवाज से सजा ये गीत जिसे मन्ना डे साहब के अनुरोध पे मन्ना डे साहब के रिक्वेस्ट पे एस डी बर्मन साहब ने गाया था और इस गीत को एस डी बर्मन साहब चाहते थे कि मन्ना डे गाएं लेकिन उन्होंने कहा कि बर्मन साहब आप इस गीत को कहीं बहुत बेहतर गा रहे हैं। इस गीत के साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं पति पत्नी के रिश्ते की। जी हाँ, और पति पत्नी के रिश्ते में झगड़े किसी से भी छुपे नहीं हैं, लेकिन इस झगड़े के चलते अगर कोई गीत तैयार हो जाए तो क्या कहना, क्यों मानते हैं ना। जी हां, ऐसा ही हुआ गीतकार राजेंद्र कृष्ण के साथ। दरअसल हुआ यूं कि राजेंद्र कृष्ण साहब का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और वो नाराज होकर घर से बाहर निकल आए। उस वक्त वो बंबई में ही रहा करते थे तो समंदर के किनारे चले गए। वहां उन्होंने एक महिला को समंदर में नहाते देखा। उस महिला की पानी के साथ मस्ती को देखकर वे पत्नी के साथ हुए झगड़े को भूल चुके थे। हालांकि उनके मस्तिष्क में किसी तरह की गलत भावना नहीं थी और वो खुद शादीशुदा थे भाई। तभी वो महिला पानी से बाहर निकली जिसके बाल भीगे हुए थे और सूरज की किरणों के पड़ते ही बाल में लिपटी बूंदें मोतियों की तरह चमकने लगी। अब ये दृश्य कृष्ण साहब को बड़ा मनोहारी लगा और वो अनायास ही उस महिला की ओर देखने लगे। तभी उस महिला ने बाल से पानी को हटाने के लिए बालों को झटकना शुरू किया। अब ये कृष्ण साहब को नागवार गुजरा और उन्होंने कहा, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। जी हां, और इस तरह जन्म हुआ इस गीत का। तो इस घटना को तो आप सुन ही चुके हैं, आइए अब सुन लेते हैं इस गीत को भी। जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा,
मगर दिल टूट जाएंगे न झटको जुल्फ से पानी ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे न झटको जुल्फ से पानी लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे न झटको जुल्फ से पानी जादू चलो अच्छा हुआ मर कर जहां से छूट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएगा। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो? पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय का ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको दूसरे के घर का बात सुनते हो? बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और अब चलते चलते इस प्रोग्राम में आइए सुनते हैं ये गीत और इसके बाद हम मिलेंगे समाचारों के साथ। आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।
तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में सवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। से थोड़ी देर में होंगे समाचार, आप सुनते रहिए एफएम रेनबो। जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए, जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए, बेखुदी में तुझे सजदे।